मॉनसून सत्र के दौरान संसद में मणिपुर मुद्दे पर जमकर बहस की जा रही है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसी दौरान 9 अगस्त को संसद में राहुल गांधी ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए भाषण दिया। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये 9 सेकंड का वीडियो शेयर किया जाने लगा। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था। भाजपा नेता विपिन बिहारी सिंह ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि ये कौन सी रामायण पढ़कर आया है। वहीं भाजपा नेता विक्रम मित्तल ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये राहुल गांधी का ज्ञान है। वहीं कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ये वीडियो राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शेयर किया। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश करते हुए पाया कि राहुल गांधी का वायरल वीडियो बिना किसी संदर्भ के साथ चलाया जा रहा है। उनकी स्पीच का ये पूरा हिस्सा देखने पर आप समझ जाएंगे कि वायरल दावा बेबुनियाद है। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। यानी भाजपा नेताओं और राइट विंग यूजर्स ने राहुल गांधी का संसद में दिए गए भाषण का अधूरा क्लिप चलाया और उन पर निशाना साधा।